रुख अगली खबर का करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इसको लेकर लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव पर मंथन हुआ और जीतने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अभी से अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के इसकी व्यापक तैयारी करना, व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाना और फिर सफलता पर उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, क्योंकि जनता उतावली है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के साथ जुड़ने की और हम उसको जोड़ सके, क्योंकि यह यात्रा जाति वंश परिवारवाद की दीवारों को तोड़ते हुए प्रदेश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की इस अलग को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने का एक अभियान होगा भारतीय जनता पार्टी का। अलग अलग छह यात्राएं, छह जो हमारे अलग अलग क्षेत्रीय जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनमें छह यात्राएं निकाली जाएंगी। जन जन तक लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास पैदा किया है लोगों में, एक सुशासन देने का काम जो किया है और पूरे उत्तर प्रदेश की एक नई दशा और दिशा का परिवर्तन जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग छह यात्राएं निकलेंगी। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर इसका निर्णय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।